भी अगर मतलब गेम से आपको रिलेटेड गेम डाउनलोड करना है या फिर कोई भी गेम देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं जो है नया गेम प्ले लेकर आ गया हूँ। ये पार्ट वन भी मैं खेल चुका हूँ, लेकिन ये दूसरा पार्ट है और इसका तीसरा भी पार्ट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जैसा कि देख रहे हो ये गेम जो है काफ़ी हार्ड है, ऐसा नहीं है कि ईरू गिरू कोई गेम है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको मित्रों समझ आएगा कि इस गेम का क्या नाम है और कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका मैं पहले मैं नाम बता दूं मित्रों, इस गेम का नाम है रेसिंग स्टंट डेरबी। जी हाँ, अल्टीमेट रेसिंग डेरबी। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो नेम सर्च करके, या फिर आप चाहते हो यहाँ से मतलब चैनल से डाउनलोड करना हो हमारे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जो है आपको एक मिलेगा लिंक। लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक आपको एक प्ले स्टोर ये लिंक ले चल जाएगा। वहाँ पर से जो है इसे गेम को डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल में खेल सकते हो और देख सकते हो गेम काफ़ी स्मूथ है मित्रों, कोई भी दिक्कत नहीं है, आ रहा मुझे खेलने में, एक भी जगह कहीं नहीं रुका। तो ये मत सोचना कि आपके फ़ोन में रुकेगा ये गेम डाउनलोड करोगे होते हो, क्योंकि इसकी गेम का साइज जो है 70 MB है। जी हाँ, 70 मतलब 70 MB, तो इस हिसाब से बहुत कम MB है। आज के तो ज़माने में गेम निकल रहा है 1 GB, 2 GB, 3 GB गेम, 4 GB गेम ऐसे निकल रहा है, और फोर्टनाइट एक गेम है जिसका साइज 10 GB है, तो उस हिसाब से तो ये गेम बहुत कम है 70 MB। तो आपका फ़ोन में अगर 1 GB रैम है या 2 GB रैम है तब भी पर ये गेम जो है आपके फ़ोन में स्मूथ चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि लेग करेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये गेम जो है आपको धीरे धीरे ही कार चलाना पड़ेगा और धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी बीच में आपको लगेगा कि भाई हार जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे ले जाओगे तभी जीत पाओगे। अगर सोचोगे कि स्पीड लेके जाऊं तो पक्का हार जाओगे और फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शुरुआती से लेकर आना पड़ेगा। तो इसलिए से आपको मित्रों धीरे धीरे ले कर चलाना है, जहाँ देखोगे कि थोड़ा हार्ड आ रहा है आगे तो वहाँ पर जो है कार को रोक लेना है और धीरे धीरे जाना है। जब जैसे कि यहाँ पर मैं रोकूँगा थोड़ा सा, उसके बाद देखूंगा सही टाइमिंग का, और जैसे मुझे सही टाइमिंग लगेगा वैसे ही मैं जाऊंगा। तो देख सकते हो मैंने रोका नहीं, और क्या होता है नहीं रुकने के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।